जब बच्चियां और बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी तो रोजगार होंगे, विकसित होगा। कहा कि वो आज निर्दल हैं, बाद में आरजेडी में आएंगे, क्या कहेंगे? और जहां मैं थी वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी। आएंगे नॉलेज के लिए आएंगे। छवि आप मतलब आपके परिवार की, आपके पति देव की छवि थोड़ी गैंगस्टर की है। शाबुद्दीन साहब है तो जो विकास पुरुष है उनपे छींटा कसी होती है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और मेरे साथ फिलहाल सिवान से हिना साहब जी हैं। इनका स्लोगन है दल से नहीं दिल से सिवान की बेटी। अभी कल ही मैं सिवान में दौरा कर रही थी तो मैंने आपका आपकी वो प्रचार गाड़ी देखी। पहले तो ये बताइए प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और प्रचार प्रसार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग जागरूक हो गए हैं और सभी लोगों को सिवान को आगे बढ़ाना है और विकसित करना है और शिक्षित करना है। मैं अभी जब आपकी तरफ आ रही थी उस समय रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले, मैंने हालांकि थे वो आरजेडी के, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि हिना साहब जी क्या क्या स्थिति है उनकी, तो उन्होंने कहा कि वो आज निर्दल हैं, बाद में आरजेडी में आएंगे, क्या कहेंगी इस पे? मैं आज निर्दल हूँ, आगे भी रहूँगी और जहाँ मैं थी वहाँ मैं कभी नहीं जाऊँगी। ये हिना साहब की हमारे साथ। हिना जी, अभी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं? आपने सुना होगा जी जी कि हम लोग सिवान में एजुकेशन के तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सरकारी खुल गए हैं, सरकारी बहुत से कॉलेजेस हैं, हमारा भी अपना कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट है और आगे आपका मेडिकल कॉलेज और एंड हॉस्पिटल बन रहा है जो सरकार ने यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छा किया है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सरकार से अपील करेंगे यहाँ पे आए मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज ताकि दूर दराज के बच्चे भी पढ़ें और सिवान के भी बच्चे डॉक्टर बने। हिना जी, इस बार सुनने में आ रहे हैं कि भगवाधारी भी आपके साथ है। भगवाधारी आपके अभी यहाँ कार्यकर्ताओं में ही देख रही हूँ, बहुत सारे लोग भगवा पगड़ी बांध रहे हैं। अच्छा ये बताइए जी, अगर मैं व्हाइट पहनी हूँ तो क्या मैं व्हाइट धारी हूँ, क्या मैं ब्लैक धारी हूँ? नहीं, ये तो मैं आपको लोगों की बातें बता रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना और मैं तो निर्दल हूँ, मेरे पे लोग क्या कहेंगे? वो लोग पार्टी वाले हैं, अब एक दूसरे को देखें, सोचें और बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर एक सवाल, अभी तक जितना हमने कवरेज किया है सिवान को, समझा है, ये समझ में आता है कि हिना साहब को लोग पसंद बहुत करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको क्या लगता है कि ये वोटर्स में तब्दील हो जाएंगे? जरूर हो गए, सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, सब लोग वोट देंगे। क्योंकि सिवान के बाहर एक छवि आप मतलब आपके परिवार की, आपके पति देव की छवि थोड़ी गैंगस्टर की है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि 2005 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सर्वे जब करवाया, देश का सर्वे हुआ था इंडिया टुडे से, तो उसमें एक नंबर पे खुद वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और दो नंबर पे डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब थे। तो जो विकास पुरुष हैं उन पे छींटा कसी होती है क्योंकि जो लोग काम करना नहीं चाहते कुर्सी पाने के ललक में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये हिना साहब जी थी जिनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की है कि वो इस बार सिवान में क्या कुछ करने वाली है।